आयुषी गुप्ता बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जोधपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज जोधपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, करीब 3 बजे हवाई मार्ग से जोधपुर पहुंचेंगे। तो हाईकोर्ट प्लैटिनम जुबली कार्यक्रम समापन समारोह का आज आयोजन किया जा रहा है, जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पीएम मोदी शामिल होंगे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो सीएम अजय लाल शर्मा भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि 2500 जवानों की तैनाती भी की गई है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मौजूद रहेंगे। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी मौजूद रहेंगे। तो राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष जी आर मूलचंदानी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हिस्सा लेंगे। प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजीव खन्ना भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और जोधपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी सदस्यता अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए। मदन राठौर मुकेश दाधीच भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सीएम ने कार्यशाला को जो है संबोधित किया, और सीएम भजनलाल ने कांग्रेस पर हमला भी बोला। कांग्रेस ने बंटवारा करवाया है, ये सीएम की तरफ से कहा गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया और राजनीति के भी आरोप लगाए गए मुख्यमंत्री की ओर से। कांग्रेस की 99 सीटों पर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कटाक्ष किया कि जोधपुर और जोधपुर संभाग तो ऐसा है क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं। शायद मुझे बजट में ज्यादा मां कुछ देने की आवश्यकता नहीं हो, ऐसी मेरे मन में कल्पना थी, क्योंकि उन्होंने 5 साल इस क्षेत्र के अंदर काम किया होगा। लेकिन जैसे जैसे आपके सुझाव आए, मेरे संकल्प पत्र जो हम चुनाव से पहले गए थे विधानसभा के अंदर, उसमें जो आपके गांव ढाणी से जो विचार उसमें आए, हमारी पेटिका में आए, उन विचारों को हमने संकलित किया। अफसोस भी हुआ, मैंने कहा जिस क्षेत्र के मुख्यमंत्री लगातार रहे हैं और पूरे 5 साल वो वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां की समस्या तस की मस है, ये समस्या का समाधान नहीं हुआ। मुझे बड़ा मन के अंदर पीड़ा भी हुई कि आपने देखा हो किस तरह का स्थिति हो रही है। कल ही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस ने समझौता किया है, मित्रों मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये वही कांग्रेस है जिन्होंने देश का बंटवारा किया था, और ये वही कांग्रेस है 75 के अंदर इन्होंने आपातकाल लगाया था। इन्होंने कितनी बार लोकतंत्र की हत्या की है, सिर्फ इनको राज चाहिए, राज के अलावा ये रह नहीं सकते। इन्होंने सिर्फ तुष्टिकरण के आधार पर राजनीति की है। और सीएम भजनलाल शर्मा का आज कुछ अलग ही अंदाज देखने को मिला है। सीएम ने आज जयपुर से जोधपुर तक जो है ट्रेन का सफर किया। इस दौरान उन्होंने ट्रेन में नाश्ता भी किया। कई अलग अलग खास तस्वीरें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ट्रेन के दौरे से जुड़ी सामने आ रही है, जहां पर जयपुर से जोधपुर उन्होंने ट्रेन से सफर किया। और इस दौरान जो तस्वीर देखने को मिली, उसमें ये देखने को मिला कि ट्रेन में नाश्ता करते हुए भी सीएम भजनलाल दिखे। सीएम भजनलाल शर्मा का अलग अंदाज। जयपुर से जोधपुर तक ट्रेन का सफर। बुजुर्गों का आशीर्वाद, बच्चों को दुलार। स्टेशन पर सीएम का जोरदार स्वागत। सीएम भजनलाल शर्मा आज जयपुर से ट्रेन के जरिए जोधपुर पहुंचे। सुबह करीब 6 बजे सीएम भजनलाल ट्रेन में बैठे। यात्रा के दौरान अलग अलग स्टेशनों पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने सादगी के साथ यात्रियों से बातचीत भी की।
बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया तो बच्चों को सीएम ने दुलार किया। सीएम भजनलाल शर्मा सुबह जयपुर रेलवे स्टेशन से जयपुर जोधपुर इंटरसिटी सुपरफास्ट ट्रेन से जोधपुर के लिए रवाना हुए थे। यात्रा के दौरान ट्रेन की अलग अलग बोगियों में जाकर यात्रियों से बातचीत की। सीएम को अपने बीच पाकर लोगों में खासा उत्साह नजर आया। बच्चों, युवाओं और महिलाओं में उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई। इस दौरान उन्होंने बुजुर्ग यात्रियों के बीच जाकर उनसे बातचीत की और आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही बच्चों को दुलार करते नजर आए। ट्रेन के अलग अलग स्टेशनों पर ठहराव के दौरान सीएम का स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। नावा सिटी में राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह के नेतृत्व में सीएम का स्वागत किया गया तो फुलेरा, कुचामन सिटी, मकराना, डेगाना और मेड़ता रोड समेत अन्य स्टेशनों पर भी कार्यकर्ताओं ने सीएम का अभिवादन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और 1 सितंबर से शुरू होने वाले बीजेपी सदस्यता अभियान के तहत दौसा में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने शिरकत की। घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। तो देश में इस अभियान के तहत 10 करोड़ से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि प्रदेश में 1 करोड़ सदस्य बनाया जाना है। ये अभियान 1 सितंबर से शुरू होगा जो 31 अक्टूबर तक चलेगा और इसके बाद 1 नवंबर से 10 नवंबर तक सक्रिय और प्राथमिक सदस्यता के लिए रजिस्ट्रेशन तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी 1 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही राजस्थान में 51,000 बूथ है, ऐसे में प्रत्येक बूथ पर 200 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। दौसा जिले की अगर बात करें तो कुल 1237 बूथों पर 2,25,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये कार्यक्रम दिसंबर तक चलेगा, विभिन्न चरणों में चलेगा और 1 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी खुद सदस्यता ग्रहण करेंगे। 31 तारीख को, इस महीने की 31 तारीख को जितने भी हम सदस्य बने हुए हैं उन सब की सदस्यता समाप्त हो जाएगी और 1 तारीख के बाद में हमको पुनर्सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। पहला प्राथमिक सदस्यों का अभियान चलेगा, फिर सक्रिय सदस्यों का अभियान चलेगा और वो सभी लोग मेंबर बन सकेंगे जो 18 साल की उम्र पार कर चुके हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की निष्ठाओं में विश्वास करते हैं उन सबको हम मेंबर बनाएंगे। और ये हमारा महाअभियान है क्योंकि अभी कोई चुनाव नहीं, भारतीय जनता पार्टी जनसंपर्क का ये महाअभियान चला रही है। राजसमंद में बेखौफ बदमाशों ने एक दंपति पर चाकू से हमला कर दिया और इस हमले में महिला की मौत हो गई। दरअसल भीम थाना क्षेत्र के डांसरिया बड़ा गांव में किराने की दुकान चलाने वाले दंपति पर युवकों ने चाकू से अटैक कर दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने यह बताया कि 2-3 युवक रात में जो है किराने की दुकान बंद होने पर दंपति की दुकान पर पहुंचे, जहां उन्होंने दंपति से सामान मांगा। दंपति ने बताया कि अभी दुकान बंद कर दी गई है, आप सुबह आना। तो युवक दंपति से झगड़ा करने लग गए और देखते ही देखते इन बदमाशों ने जो है चाकू निकाल लिया। तो वही श्री गंगानगर के महाराजा गंगा सिंह चौक पर किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों का यह कहना है कि लाखों क्यूसेक पानी जो है पाकिस्तान बहकर जा रहा है और इसे रोका जाए, साथ ही वन्य जीवों के लगातार हो रहे शिकार पर अंकुश लगाया जाए। किसानों ने पश्चिमी राजस्थान में सोलर कंपनियों द्वारा काटे जा रहे खेजड़ी के वृक्षों पर लगाम लगाने की भी मांग की है। कोई उद्देश्य नहीं था हम उनका पुतला फूंके, पर जो उनकी करतूते हैं, जो उन्होंने वादे किए किसानों से, प्रत्येक सभा में ये वादा किया किसानों को MSP पर गारंटी कानून दिया जाएगा, किसानों को कर्ज मुक्त किया जाएगा, ये वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। उसी के विरोध में हम उनको याद कराना चाह रहे हैं कि आप राजस्थान की धरती पर आ रहे हो, जो आपने चुनावों से पहले वादे किए थे वो। और दौसा में कांस्टेबल प्रहलाद सिंह की याद में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। बीते साल बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान कांस्टेबल प्रहलाद सिंह शहीद हो गए थे, ऐसे में उनकी पहली पुण्यतिथि पर दौसा में गुप्तेश्वर सर्किल से सोमनाथ सर्किल तक तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। इसके बाद रतन प्रभा गार्डन में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि पिछले साल दौसा के सिकंदरा थाना क्षेत्र के
रेटा गांव के पास बदमाशों से लोहा लेते हुए कांस्टेबल प्रहलाद सिंह के सिर में गोली लगी थी और इस घटनाक्रम में कांस्टेबल प्रहलाद सिंह शहीद हो गए थे। दौसा पुलिस के शहीद प्रहलाद सिंह जी जो पिछले साल बदमाशों से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे, उनकी याद में ये तिरंगा यात्रा आयोजित की गई है। इसके बाद श्रद्धांजलि सभा और रक्तदान शिविर का भी दौसा के युवाओं की तरफ से आह्वान किया गया है। आज प्रहलाद सिंह जी की याद में हम हमारे दिलों में बसे हुए हैं। प्रहलाद सिंह जी उनकी याद में हम ये तिरंगा रैली निकाल रहे हैं और आज भी हमको याद आते हैं प्रहलाद सिंह जी, जो सभी अपने दिल से काफी काफिले के साथ अपनी तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। पुण्यतिथि है, प्रथम पुण्यतिथि है शहीद प्रहलाद सिंह की, उनकी याद में हम रैली निकाल रहे हैं। बहुत ही जांबाज सिपाही था जो मेरी टीम का सदस्य था, आज वो नहीं रहा, इस वजह से हमारे को बहुत दुख हो रहा है। बाबा रामदेव का भादवा मेले में आज से छुट्टी हो गई है और ऐसे में भारी भीड़ उमड़ रही है। देश के अलग अलग जगहों से करीब 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का भारी हुजूम जो है रामदेवरा पहुंच गया। सभी को दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। बाबा रामदेव मुख्य प्रवेश द्वार से जो है RCP जाने वाली सड़क मार्ग, नोखा धर्मशाला से रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क मार्ग पर लंबी लंबी कतारें नजर आई। तो मेला अधिकारी प्रभजोत सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह भाटी ने मेले में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बाबा रामदेव समाधि समिति की तरफ से समाधि स्थल को तकरीबन 20 घंटे खुला रखकर सभी श्रद्धालुओं को दर्शन करवाने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में चारों तरफ श्रद्धालुओं का हुजूम जो है वो देखने को मिल रहा है। राजसमंद में भारी बारिश से जिले के नदी नाले तालाब जो है लबालब भरे हुए हैं। चारभुजा का सबसे बड़ा जवाहर तालाब ओवरफ्लो हो गया है। तालाब ओवरफ्लो होने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। जिले के सबसे बड़ी बाघेरी बंध पर करीब 1 फीट की चादर चल रही है। राजसमंद झील की लाइफलाइन गोमती नदी में पानी की आवक जारी है। शाम तक गोमती नदी का पानी राजसमंद झील तक पहुँच जाएगा। तो वहीं सवाई माधोपुर में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते एक बार फिर जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश से आमजन जीवन जो है वो प्रभावित है और जगह जगह जलभराव ने लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी हैं। तो बारिश के चलते चंबल सहित बनास, गलवा और मोरल नदी में फिर से पानी की आवक बढ़ गई है। बनास और गलवा नदी के उफान पर आने से तकरीबन 2 दर्जन गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट चुका है। चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र में हुई तेज बारिश से चौथ माता सरोवर पूरी तरह से ओवरफ्लो होकर छलक रहा है। बनास में आए उफान के चलते सवाई माधोपुर से चौथ का बरवाड़ा शिवाड़ होकर जयपुर जाने वाला सड़क मार्ग बंद है, जिससे यातायात प्रभावित है और शिवाड़ क्षेत्र के कई गांवों का जो है जिला मुख्यालय से सड़क संपर्क कट गया है। और मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए UPS यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का तोहफा दिया है। पहले से चली आ रही NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम के मुकाबले UPS में सरकारी कर्मचारियों को काफी फायदे हैं। देखिए रिपोर्ट। सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। शनिवार को मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में 3 बड़े फैसलों पर मुहर लगाई, जिसमें UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को भी मंजूरी दे दी गई। इससे पहले NPS में बदलाव की मांग पर डॉक्टर सोमनाथ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी और सरकार ने कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए NPS में बदलाव का फैसला किया। देश भर में सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमेशा मांग आती रही कि जो NPS स्कीम है उसमें सुधार किए जाए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 5 बड़े पॉइंट हैं, जिनमें पहला निश्चित पेंशन, दूसरी निश्चित पारिवारिक पेंशन, तीसरा न्यूनतम पेंशन का प्रावधान, चौथा महंगाई का समायोजन और पांचवा ग्रेच्युटी शामिल है। 25 साल की नौकरी करने वालों को इस स्कीम का पूरा लाभ मिलेगा और ऐसे कर्मचारियों की नौकरी के अंतिम 12 महीनों में मिलने वाली बेसिक सैलरी का 50% पेंशन दी जाएगी, जबकि 10 साल की नौकरी करने वालों को 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। इसके अलावा किसी भी कर्मचारी का निधन होने पर पेंशन की कुल रकम का 60% हिस्सा परिवार को मिलेगा। इस पेंशन पर सरकारी कर्मचारियों को महंगाई राहत यानी DR के आधार पर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन भी मिलेगा। इसके अलावा कर्मचारी के रिटायरमेंट के वक्त उसे एक मुश्त राशि भी मिलेगी। सरकार की तरफ से बताया गया कि केंद्र सरकार के कर्मचारी यह खुद तय कर सकेंगे कि वो NPS में बने रहें या UPS में शामिल हों। यह योजना उन सभी पर भी लागू होगी जो 2004 के बाद NPS के तहत रिटायर हो चुके हैं। हालांकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, लेकिन 2004 से लेकर 31 मार्च 2025 तक NPS के तहत रिटायर हो चुके सभी कर्मचारी भी इस योजना का फायदा ले सकेंगे। उन्हें पिछले पेंशन भुगतानों के समायोजन के बाद इस योजना का लाभ मिलेगा। और चले रुक करते अगली खबर की ओर। डिडवाना के शीतलकुंड बालाजी मंदिर के सामने सोडोलाई तालाब में 2 मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई। पैर फिसलने से 2 बच्चे तालाब में डूब गए। डूबने की सूचना पर पड़ोसी महेंद्र सिंह मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंचे और दोनों बच्चों को तालाब से बाहर निकाला और मोहल्ले वासी ने तुरंत बच्चों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर्स ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही डिडवाना थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी ली गई। दोनों बच्चे एक तो ऊपर तीर रहा था, एक कांटा के मान घसा था, अभी आती गिल्ला पड़ा है और उसके मारे पर नाटी का पानी है ना बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसका गिला करो। मामला ये है साहब, जो बच्चे खेलते खेलते लेटिंग जाने के तो पग फिसल गया, पानी घर के पास में भरा हुआ था तो पास में तड़ाई है, तड़ाई के पानी सब ऊपर आया हुआ है, तो हम पर्सनल कुछ भी किया हमको पता नहीं भाई, बच्चे खेलते खेलते अंदर गिर गए और हम सब मजदूरी पे चले गए थे, फिर हमको पता चला तो हम भागते आए, बच्चों को निकाला ढूंढने हुए, एक बच्चा ऊपर गिर रहा था जब पता चला हमको। अगली खबर उदयपुर से, जहां पर जगदीश मंदिर में जन्माष्टमी पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। जगदीश मंदिर में इस बार 3 दिन भव्य आयोजन होंगे जिसमें लाखों शहरवासी शामिल होंगे। देखिए रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्माष्टमी बेहद नजदीक है, उससे पहले जन्म उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। उदयपुर शहर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम 3 दिनों तक रहने वाली है। धर्मोत्सव समिति उदयपुर और पुजारी परिषद के संयुक्त तत्वाधान में इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 से 28 अगस्त तक जगदीश मंदिर प्रांगण में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाई जाएगी। इन कार्यक्रमों में दधिका उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होंगे, इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जन्माष्टमी को मनाई जाती है, उस दिन सुबह भगवान के गंगा में स्नान होता है और देशिया श्रृंगार होता है और बड़ा श्रृंगार होता है, दिन में भजन कीर्तन होते हैं, रात को 12:30 बजे भगवान का जन्म होगा, यहाँ जनता इकट्ठी होगी और पेड़ की देर नहीं मिलेगी, 12:30 बजे आरती होगी, उसके बाद जनता में प्रसाद वितरण होगा, ये 3 दिन का प्रोग्राम होगा। 26 अगस्त को भगवान जगन्नाथ स्वामी के मंदिर जगदीश चौक में बधाई गीतों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम और भजन कीर्तन आयोजित होंगे। रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर महाआरती की जाएगी और इस दौरान पंचामृत एवं पंजीरी का भोग अर्पित किया जाएगा। 27 अगस्त को बधाई गायन, ढाडन ढाडिन के नृत्य और भजन नंद महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 28 अगस्त को दधिका उत्सव मनाया जाएगा जिसमें देश के विख्यात कलाकार रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और नृत्य की प्रस्तुति देंगे। ठाकुर जगन्नाथ राय जी के मंदिर में जन्माष्टमी उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। 12:30 बजे भगवान जगदीश का जन्म होगा और रात को जन्म होने के बाद सुबह नंदोत्सव होगा जिसमें डाड़ा डाड़ी के नृत्य वगैरह होंगे
काफी संख्या में लोग भीड़ जो है दर्शन करने आएगी और 28 तारीख को जो है मटकी फोड़ का आयोजन होगा, विशेष रूप से यदि शो में होता ही है या 27 तारीख को जो है नंद उत्सव मनाया जाएगा। नंद के लाल के जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। उदयपुर के जगदीश मंदिर में भव्य आयोजनों का सिलसिला जारी है। भक्त भी उत्साहित हैं कि वो भगवान के जन्मोत्सव के साक्षी बनेंगे। उदयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। करौली से बड़ी खबर सामने आ रही है, 35,000 के दो इनामी बदमाश गिरफ्तार किए गए। साइबर सेल गंगापुर सिटी पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। धरपकड़ अभियान के तहत ये आरोपी पकड़े गए। हत्या के मामले में आरोपी फरार चल रहे थे। टोडा भीम पुलिस द्वारा इनामी अपराधियों की धरपकड़ के चलते विशेष अभियान चलाया गया, जहाँ पर 35,000 रुपए के दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी जोल व जोरावली गांव में गोली मारकर हत्या के मामले में फरार चल रहे थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। गंगापुर एसपी सुजीत शंकर के निर्देशन में लगातार अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है। अभियान के तहत टोडा भीम डीएसपी मुरारी लाल मीणा के सुपरविजन में सब इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार और साइबर टीम ने एक ही रात में जोल व जोरावली गांव में गोली मारकर हत्या के मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्याकांड को मुलजिमों ने अंजाम दिया था। ग्राम जोल में दो युवकों की अलग अलग गांव में हत्या की गई थी, जोल और डोरावली में, और उसके संबंध में दो पृथक पृथक हत्या में प्रकरण दर्ज हुए थे, जिसमें मुलजिम शेर सिंह और मुलजिम चेतन ये फरार थे, जिन पर 35,000 का इनाम घोषित आई साहब के द्वारा घोषित किया हुआ था। खबर झुंझुनू से है, जहां पचेरी कला पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराकर लोगों से रुपए ऐठने वाली गैंग की दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार की गई दोनों महिलाओं ने छह मामले, आपको बता दें कि उनपे 6 मामले दुष्कर्म के दर्ज करा रखे हैं, और नारनौल और बहरोड की रहने वाली इन दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इन्होंने पचेरी कला थाना इलाके में एक व्यक्ति के खिलाफ हनी ट्रैप मामले में 7 लाख रुपए की डिमांड कर रही थी। तो 20 अगस्त को इन दोनों महिलाओं के खिलाफ एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी। इस संबंध में पीड़ित व्यक्ति ने पचेरी कला थाने को शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया कि 15 दिन पहले उसके मोबाइल पर फोन आया, महिला ने नौकरी मांगी थी जिसे पीड़िता ने मना कर दिया। महिला ने 19 अगस्त को रिश्तेदारों को फोन कर बताया कि दुष्कर्म का मामला दर्ज करा दिया है, इसमें राजीनामा करने के लिए रुपए मांगे। फिलहाल पुलिस इस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों का पता लगाने में जुटी है। खबर झुंझुनू से है, नवलगढ़ उपखंड के बेरी सीमा पर ढाका की ढाणी जाने वाले रास्ते पर एक खेत में बने कमरे में देह संचालित हो रहा है। तो ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक और युवती को संदिग्ध अवस्था में हिरासत में लिया। जानकारी के अनुसार ढाका की ढाणी के ग्रामीणों ने नवलगढ़ पुलिस को इसकी सूचना दी। कमरे में बने कमरों में अनैतिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा था। सूचना के बाद नवलगढ़ पुलिस जो है मौके पर पहुंची, लेकिन इलाका दादिया का होने के कारण दादिया पुलिस को मौके पर बुलाया गया। दादिया पुलिस ने खेत में बने कमरे से एक युवक और युवती को संदिग्ध हालात में पकड़ करके हिरासत में ले लिया है। वहीं पुलिस की भनक लगने से 3 युवक मौके से भागने में कामयाब हो गए। दादिया थाना को तो एक लड़को और एक लड़की है, थाना पर ले जाके पूछताछ करा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और आगे आपको दिखाएंगे राजस्थान एक्सप्रेस। नमस्कार।